पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जमीन सर्वे का काम कल से यानी कि मंगलवार से बिहार में शुरू हो गया और अब इसमें कई तरह के लोगों में मिथ है कि सरकार उनका जमीन छीनना चाहती है, उनका जमीन हड़पना चाहती है। लोगों के मन में ये डर बन गया है। तो पहले तो सरकार ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ये जमीन के जो डिटेल्स हैं, जमीन के जो पूरे डिटेल्स है उसको सरकार अपडेट करना चाहती है। वहीं अब इसको लेकर जमीन में, बिहार में जमीन सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई है। राज्य में 45,000 गांवों में जमीन सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान लोगों को अपनी संपत्ति के कागजात सरकार को दिखाने होंगे। सरकार इसका ब्यौरा लेगी और तय करेगी कि उक्त जमीन किसके नाम पे है और उसका किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल है। अगर किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है, रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज गुम हो गए हैं, पेपर नहीं है, तो क्या होगा? सरकार क्या उनकी जमीन कब्जा कर लेगी? ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने जनता को कुछ विकल्प भी दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है, तो बाप दादा से विरासत में मिली हुई है, तो उसके कागज आपके पास नहीं है, उस जमीन पर फिलहाल आपका ही कब्जा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी ज़मीन आपके पास ही रहेगी। आपके दादा परदादा ने किसी जमींदार से यह ज़मीन ली होगी, तो उसके नाम का मालिकाना हक होगा। यदि कुछ दशकों पहले यह ज़मीन ली गई थी, तो खातियान में खोजने पर जमीन से जुड़े दस्तावेज मिल सकते हैं। साथ ही आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के पास कागज होंगे, तो भी उनके आधार पर आपके ज़मीन के मालिकाना हक का पता लगाकर दस्तावेज निकाले जा सकते हैं। वहीं अगर आपकी ज़मीन पर किसी और ने कब्जा जमाया हुआ है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज निकलवा सकते हैं। प्रखंड स्तरों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शिविर लगाए जाएंगे। इसमें जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर खातियान में आपकी जमीन की जानकारी है, उसमें आपके परिवार या खानदान के किसी सदस्य का नाम दर्ज है और जमीन की कोई खरीद या बिक्री नहीं हुई है, ऐसे में वो जमीन आपकी ही रहेगी। आप उससे जुड़े दस्तावेज निकलवा सकते हैं। जिसके नाम यह जमीन खातियान में दर्ज है और उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में आपके मृत्यु प्रमाण पत्र या उससे जुड़ा कोई कागज या दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जमीन के दस्तावेज के लिए दाखिल खारिज करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। भूमि सर्वे से पहले उसके लिए आवेदन करना होगा। अगर फिर भी अपने पुश्तैनी जमीन को लेकर समस्या है, तो आप स्थानीय स्तर पर राजस्व कर्मचारियों से मदद ले सकते हैं। देखिए, बिना कागज के भी अगर ये सब विकल्प जो हमने आपको बताए, ये सब विकल्प आपसे अगर हो रहे हैं, तो आप ये सब विकल्प करके अपनी जमीन को जो कागज़ है वो सरकार को दिखा सकते हैं सर्वे के दौरान, और फिर आपका जमीन आपके पास ही रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जमीन से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे मेरे भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।